प्रश्न संख्या 10, 300 किलोग्राम चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 300 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य है 300 × 15, चूंकि 1 किलो का 15 रुपया था तो ये हो गया हमारा 4500। हानि प्रतिशत है हमारा 5%, तो वास्तविक हानि क्या हुआ 4500 का 5%। तो इसे हमने हल किया तो ये आ गया हमारा 225 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से अगर हम हानि घटा देते हैं तो हमें विक्रय मूल्य आ जाता है। तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया 4275 रुपये। प्रश्न संख्या 11, एक वस्तु 8000 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न प्रश्न नंबर 10 से मिलता जुलता है, इसे आप स्वयं से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझने में फिर भी दिक्कत होती है तो अपने शिक्षक से पूछें। प्रश्न संख्या 12, एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है, यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का क्रय मूल्य है 48 रुपया, तो 300 पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 300 × 48 यानी 14400 रुपया। लाभ यहां दिया हुआ है 15%, तो वास्तविक लाभ बराबर हो जाएगा 14400 का 15%, तो ये हम निकालते हैं तो ये आता है 2160 रुपया। तो हम जानते हैं कि लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य था 14400 रुपया और लाभ हमने अभी निकाला 2160 रुपया, इसे जोड़ देते हैं तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया 16560 रुपया। प्रश्न संख्या 13, जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, वह उन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो यहां अंडे का प्रति दर्जन क्रय मूल्य है 16 रुपया और अंडे का प्रति दर्जन लाभ है 15%, तो वास्तविक लाभ हो जाएगा 16 रुपए का 15%, यानी जो प्रति दर्जन क्रय मूल्य है उसका 15%। तो इसे अब हम हल करते हैं तो ये आता है 12/5 यानी 2.40 रुपया। ये वास्तविक लाभ आ रहा है। तो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, प्रति दर्जन क्रय मूल्य जोड़ प्रति दर्जन लाभ। तो हमारा प्रति दर्जन क्रय मूल्य था 16 रुपया और लाभ आया 2.40 रुपया और इसे जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा 18.40 यानी 18.40 रुपया। प्रश्न संख्या 15, मोहिता ने दो रेडियो में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचा, पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई, कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। मान लिया कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ यहां 5 रुपया होता है, इसलिए विक्रय मूल्य 105 रुपया। तो अब हम पहले रेडियो का क्रय मूल्य निकालते हैं, इसके लिए हम 100/105 देखिए ये क्रय मूल्य जो हमने माना था उसे ऊपर लिखते हैं और विक्रय मूल्य जो माना था वो नीचे लिखते हैं, × 4000, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 3809.523। ठीक इसी तरह से हम दूसरे रेडियो का भी क्रय मूल्य मानते हैं, हानि 10 रुपया है तो विक्रय मूल्य 90 रुपया हो गया चूंकि हानि हो रही है,
और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य ठीक उसी तरह से हम निकालते हैं, तो ये आ जा रहा है 4444.444। इसलिए दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, हम दोनों का क्रय मूल्य जोड़ दे रहे हैं, देखिए यहां पर हम जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है 8253.967। चूंकि ये रुपए पैसे का जोड़ है इसलिए हम इसमें दशमलव के दो अंकों तक ही लेते हैं। यहां जो तीसरा है सात, ये पांच से ज्यादा है इसलिए इस छह को हम सात बना देंगे, तो दोनों का जोड़ हमारा आ जाएगा 8253.97 रुपया। हम देख रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है दोनों रेडियो का, ये 4000 जोड़ 4000 यानी 8000 है, और क्रय मूल्य उससे ज्यादा है अर्थात यहां हानि होगी, तो हानि बराबर ये क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, ये हमारा आ गया 253.97 रुपये। प्रश्न संख्या 18, यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता, बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि बैटरी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 4% हानि में अगर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 घट जाएगा यानी 96 रुपया। ठीक इसी तरह यदि 4% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य 104 रुपया हो जाएगा, और इस स्थिति में दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हम देख रहे हैं 8 रुपया है। तो अब एक एक नियम से हल करते हैं, जब दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 8 रुपया तो क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक इसी तरह से जब दोनों में दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 6 रुपया है जो दिया हुआ है 6 रुपया, तो क्रय मूल्य हमारा होगा 100/8×6, और जब इसे हम सरल करेंगे तो आएगा ये 75 रुपया। तो बैटरी का क्रय मूल्य हो गया 75 रुपया।